दो दिन पहले जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो है वहाँ आ रहे हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि दो गज दूरी के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कल रात से ही, कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो हैं उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडीयू का लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो है वहां आ रहे खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहां नहीं खा पा रहे जहां, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।